नई सुबह। आज तारीख है 17 और अभी अभी मैं उठा हूँ, सुबह के बजे हैं 6। आज हमने जाना है नुब्रा वैली, खातुगला पास से होते हुए तो थोड़ा अर्ली उठना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी जाना है। अभी उठा हूँ मैं, उठते ही सबसे पहले मैंने सोचा आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोलूँ और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो दोस्तों नहा धोकर हो चुके हम तैयार, अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट के बाद हम निकलने वाले हैं खातुगला पास होते हुए नुब्रा वैली के लिए। सुना है कि बहुत सुंदर सुंदर रास्ता है, देखते हैं क्या रहता है और आपको भी दिखाते हैं, चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो अब हम चल पड़े हैं नुब्रा के लिए, नुब्रा वैली के लिए। सुबह के 8:50 हो चुके हैं, होटल से हमें निकले हुए करीब 15 हो चुके हैं और देखिए आगे बाइकर्स, क्योंकि यहाँ जगह जगह पर आपको सबसे कॉमन चीज़ जो मिलती है वो है बाइकर, जो बाइक्स पर पूरे लेह लद्दाख को एक्सप्लोर करते हैं। कुछ ये देखिए, ये बाइकर तमिलनाडु से आया हुआ है, तमिलनाडु से TN नंबर है, पीछे गुजरात से आए हुए थे, कुछ कर्नाटका से आए हुए थे, यानी कि देखिए देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ये बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं। बाइक पे ट्रैवल करने का अलग ही मजा है। पीछे लास्ट ईयर मैंने बाइक पर हेमकुंड साहब बद्रीनाथ ट्रैवल किया था और इस बार हम बाई एयर आए हैं यहाँ पर। देखिए बाइकर्स किस तरह, और जैसे कि आपको पता है यहाँ बहुत गर्म सबसे ज़्यादा माना जाता है, तो ये जगह जगह इस तरह के आपको मिल जाते हैं। सामने जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत है, मन को मुग्ध करने वाला है। सामने हिमालयन रेंज है और वो ऊपर से बर्फ़ से बिल्कुल ढकी हुई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हम कुछ देर के लिए रुके हैं ताकि इस नज़ारे को देख पाएँ और यहाँ फोटोग्राफ्स वगैरह ले पाएँ। दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं खातुगला पास, जो कि हाईएस्ट है वर्ल्ड में मोटरेबल रोड। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत हवा है जिसकी वजह से हल्की फुल्की जैकेट पहनी हुई है, लेकिन ठंड नहीं है। ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड है वर्ल्ड का। अभी आपको वो मार्क दिखाता हूँ, जहाँ पर वो मार्क है। विश्व में और अल्टीट्यूड है 17,982 फीट और थोड़ी ऑक्सीजन की कमी जरूर है। आज मौसम बहुत अच्छा है, बहुत धूप लगी हुई है, ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है, लेकिन मैंने सिर्फ ये जैकेट डाली है हल्की सी, वो भी सिर्फ इसलिए कि हवा वगैरह थोड़ी बहुत चलती है। इसलिए चारों तरफ बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ़ अभी नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर होना एक प्राउड की बात है, वर्ल्ड की हाइएस्ट मोटरेबल रोड। ये देखिए फौजी वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड पर किस तरह अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, किस तरह अपना काम कर रहे हैं। सल्यूट है इंडियन आर्मी को।
काफ़ी देर सफ़र करने के बाद अब पहुंचे हैं प्यारे से छोटे से गांव में, और इस गांव का नाम है खरदुंग। खरदुंग गांव शायद लेह से खरदुंग आने के लिए जिस पास को हम यूज़ करते हैं, इसीलिए उस पास का नाम खरदुंगला पास पड़ा होगा। ये छोटा सा प्यारा सा गांव है खरदुंग। काफ़ी ट्रैवल करने के बाद जब हम नुब्रा की तरफ बढ़ रहे हैं तो रास्ते में ये आया है, और छोटे छोटे गाँव हैं, बहुत दूर दूर गाँव आते हैं रास्ते में, पास पास कोई भी गाँव नहीं है। इस एरिया में चारों तरफ आप देख सकते हैं बिल्कुल सूखे पहाड़ हैं, पेड़ पौधों का कोई नामो निशान ही नहीं, तभी इसको सूखा मरुस्थल भी कहते हैं ये, और ये भी कह सकते हैं कि ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाला एक सूखा मरुस्थल है। अंदर पहुंचने से पहले एक बहुत ही सुंदर जगह पर हम पहुंचे, ऐसा लग रहा था कि शायद कोई सपना है। और यहाँ पर एटीवी राइड, यानी कि एक जो बाइक होती है उसकी राइड भी आप ले सकते हैं। बच्चों ने बहुत आनंद किया एटीवी राइड्स पे। हम पहुंच चुके हैं दिस्कित मोनेस्ट्री, और ये गेट है उसका। नीचे से एक बहुत बड़ी बुद्धा की मूर्ति दिखनी शुरू हो गई थी जैसे ही हम डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री की तरफ बढ़ रहे थे। और अभी जो ये रास्ता है हमें लेके जाएगा डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री। वो देखिए बुद्धा की वो मूर्ति एक बार दोबारा से दिखने लगी, बहुत बड़ी प्रतिमा है ये बुद्धा की। ये हैं बहुत सारे बौद्ध स्तूप जो यहाँ पर बहुत जगह देखने को मिलते हैं पूरे लेह में, क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। यहाँ पर एक नॉमिनल सी एंट्री फीस हमें पे करनी होगी इस मोनेस्ट्री में जाने के लिए। बौद्ध धर्म में ऐसा माना गया है कि इनको गोल गोल घुमाने से आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आपके कष्ट दूर होते हैं और आप अच्छा जीवन जी पाते हैं। ये सारा एरिया डिस्किट मोनेस्ट्री है, लेकिन जो सामने वाइट बिल्डिंग दिख रही है वो सबसे मेन पार्ट है मोनेस्ट्री का। एरिया बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है, यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है। ये सामने की जो वाइट बिल्डिंग है बड़ी सी, ये है डिस्किट मोनेस्ट्री। सबसे मेन पार्ट है जो मोनेस्ट्री का वो यही है। डिस्किट मोनेस्ट्री सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मोनेस्ट्री मानी गई है लद्दाख की। सैंड ड्यून्स यहाँ पर जैसे रेगिस्तान में होते हैं, क्योंकि ये भी एक कोल्ड डेजर्ट है। तो ये देखिए अब सामने बिल्कुल रेगिस्तान की तरह यहाँ पर जो है सैंड ड्यून्स हैं, और यहाँ पे रेगिस्तान की तरह कैमल राइडिंग भी होती है इन सैंड ड्यून्स पे, जो कि हम शाम को करने आएंगे। तो ये देखिए अब चारों यहाँ पे जो नीचे की तरफ सारे सैंड ड्यून्स ही हैं। देखिए अब सैंड ड्यून्स, ऐसा लग रहा है कि रेगिस्तान हो, और हवा चल रही है तो रेता भी उड़ रही है। वो जो सामने शहर दिख रहा है वो हुंदर है, हम आज वहीं रुकने वाले हैं हुंदर में। हेलो फ्रेंड्स, शाम के बजे हैं 5:30 और हम आए हैं हुंदर के सैंड ड्यून्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में, देखिए कितने रेता के ढेर लगे हुए हैं, जैसे राजस्थान में रेता के ढेर लगे होते हैं ऐसे यहाँ रेता के ढेर लगे हुए हैं। कोल्ड डेजर्ट है और डेजर्ट की तरह यहाँ पर सैंड ड्यून्स हैं, और यहाँ पर ऊँट भी हैं, कैमल्स भी हैं जिनके ऊपर सवारी करते हैं लोग। देखिए कितने सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, गाड़ियाँ आई हुई हैं जगह जगह से, और लोग इंजॉय करते हुए काम जैसे जैसे बढ़ेगी यहाँ और लोग आते रहेंगे। ये देखिए आपके सामने चारों तरफ दिखाते हैं आपको।
नजारा बहुत ही सुंदर है। वो सामने अगर देखा है तो वहाँ कैमल्स हैं, इसकी सवारी करते हैं लोग। अच्छा सुंदर सर व्यू है, दोबारा सर दिखा दो। कैमल्स हैं यहाँ पर, कैमल राइड चल रही है। वो बहुत सारे लोग आपको दिख रहे होंगे कैमल राइड करते हुए आ रहे हैं। सैंड ड्यून्स हैं, रेती रेत है चारों तरफ। ये देखिए कैमल्स पे लोग आ रहे हैं, यहाँ कैमल्स हैं। यहाँ जो कैमल्स हैं बहुत छोटे छोटे साइज के हैं, आप खुद ही देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे कैमल हैं। पर डबल हम्प वाले कैमल्स हैं, बहुत छोटे छोटे कैमल्स हैं। बोझ स्तूप, और आज खूब मस्ती की, खूब घूमे। अब आज का जो व्लॉग है लगभग हम ख़त्म करने वाले हैं। आज सुबह हम लेह से चले और सबसे पहले हम आए खरदुंगला पास। खरदुंगला पास को हमने क्रॉस किया, उसके बाद हम डिस्किस मोनेस्ट्री आए, वो देखा। फिर हम यहाँ पे आ गए हुंदर में, यहीं हम ठहरे हुए हैं। और हुंदर में उसके बाद हम गए सैंड ड्यून्स और वहाँ पे बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा दृश्य था। अब हम पास ही अपने होटल के घूम रहे हैं। ये देखिए कितने सारे बोध स्तूप्स हैं, और सामने कुछ आपको दिख रहा हो तो मोनेस्ट्री है वो एक, और इधर भी आपको दिखाता हूँ पर्वत के ऊपर, बहुत ऊपर देखिए चंद्रमा, देखिए कितना साफ है यहाँ। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, कल जाएंगे हम पेकोंग लेक और आपको कल दिखाएंगे पेकोंग लेक के नज़ारे।